क्या आप लोग एनएचजी में कमांडो ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हैं? अभी तक आप देख चुके हैं कैसे होती है ट्रेनिंग ब्लैक कैट कमांडोज की। 12 हफ्तों की इस कड़ी में शुरुआत जिस्म को चुस्त और दिमाग को दुरुस्त करने से होती है, ताकि तालमेल बना रहे। लेकिन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस से चुनकर आए कैडेट में से सिर्फ आधे ही आखिरी तक डटे रहते हैं। We are always ready. NSG never gives up. NSG never say give up. इन मुश्किलों को पार करने में अच्छे अच्छों के हौसले पस्त हो जाते हैं, और अगर कमांडो बन गए तो भी प्रैक्टिस से पीछा कभी नहीं छूटता। बहुत कड़ी मेहनत है कमांडो बनाने में, और कमांडो बनने के बाद उसको ऑपरेशनली हमेशा फिट रखने के लिए जो प्रतिदिन के आधार पर जो ट्रेनिंग होती है वो बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग होती है। आखिर ब्लैक कैट कमांडो बनना कोई बाएं हाथ का खेल नहीं। कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग के बाद अब बारी है कमांडो ऑपरेशंस की। कमांडो मतलब ब्लैक कैट, कम से कम आम आदमी यही समझता है। एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसके साए में हम खुद को कयामत तक महफूज पाते हैं। कमांडो का ये क्रेज सिर्फ लोगों तक ही नहीं सिमटा, नेता हो या वीआईपी, आम जिंदगी में हर कोई इनकी सरपरस्ती चाहता है। ना आग से डर और ना ऊंचाई का खौफ, ना चढ़ने से परेशानी और ना ही कूदने में हिचक। ब्लैक कैट कमांडो के लिए काउंटर टेररिस्ट कंडीशनिंग कोर्स की बेहद खास अहमियत है, जो ख्यालों की दुनिया से निकालकर जवानों को हकीकत की जमीन पर ला खड़ा करता है। क्या पता कब और कहां आतंकियों से दो दो हाथ करने की नौबत आ जाए। ऐसी ऑपरेशन में कुछ भी करना पड़ सकता है, आग की लपटों को चीरते हुए निकलना या फिर पानी के बीच रास्ता तलाशना। क्या पता कभी तार के सहारे उतरने की नौबत आए, या फिर ऑपरेशंस के दौरान हर तरफ धुआं छा जाए। दुनिया को भी दिखा देंगे कि हम लोग 24/7 हम लोग अलर्ट रहते हैं। जैसे आपके दिल में टेररिस्ट के लिए दहशत है, उसी तरह टेररिस्ट के लिए ब्लैक कमांडोज की दहशत है। दुश्मन की गोलीबारी और कटीले तारों की बाढ़ भी कमांडो को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। वो तमाम मुश्किलों से सिर्फ अपना बचाव ही नहीं करता, बल्कि ब्लैक कैट का कोई बार कभी खाली नहीं जाता। हर गोली पर एक मौत लिखी होती है। One shot, one kill. इस कोर्स के द्वारा हम ये हर एक ऑब्स्टिकल को दर्शाते हैं जो एक कमांडो आगे के ऑपरेशंस में शायद उसको चैलेंज कर सके। तो उसी इन सारे ऑब्स्टिकल्स को पूरा करके जो है एक कमांडो पूर्ण तरीके से कंप्लीट होता है। रिफ्लेक्स फायर डेमोंस्ट्रेशन, ब्लैक कैट बनने के पहले आखिरी इम्तिहान, जब बात फिटनेस से ऊपर अचूक निशाने पर टिकी होती है, वो भी बगैर दुश्मन को पलक झपकाने का वक्त दिए। यहाँ देर का सीधा रिश्ता खुदकुशी से जुड़ा है। टारगेट दिखते ही रिएक्ट करना, और रिएक्शन भी क्या, दुश्मन को खामोश करना। यहाँ एक सेकंड का चांस नहीं मिलता। हालात तो अलग अलग तरीके का होगा, किसी और तरीके के हालात में भी वो इस सिचुएशन से में फायर कर सकता है, इफेक्टिव फायर के डालकर किसी भी टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। सीने से लगा ये अनमोल निशान बलिदान का है, जिसे लगाने का हक सिर्फ कमांडो को होता है। ऐसे जांबाज जिनमें जज्बा होता है,
देश की हिफाजत के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो जाने का। बड़े बड़े जो मुकाबले हुए हैं टेररिस्ट के साथ, अक्षरधाम लीजिए, 26/11 मुंबई लीजिए, वी हैव नॉट बॉदर्ड अबाउट आवर ओन लाइफ, वी हैव लॉस्ट ब्रेव हार्ट्स बोथ, बट वी हैव ओवरकम। इस इमारत पर आतंकियों का कब्जा है, अंदर से निकली कोई भी गोली जान ले सकती है, पर कमांडो हैं तो एक्शन लेने से कौन रोक सकता है। पहले पूरी इमारत को घेरा जाता है, इधर कमांडो दबे पांव टारगेट के करीब पहुंचते हैं, उधर राइफल फायर होती है। ये कोशिश आतंकियों के ध्यान बटाने की, इतने में एक धमाका और कमांडो अंदर। मौत के ये फरिश्ते सारा काम इतनी जल्दी करते हैं कि दुश्मन को सोचने तक का भी वक्त नहीं मिलता और मिशन ओवर। टेररिस्ट दो है, हॉस्टेजेस नहीं है, टेररिस्ट सरेंडर किया है, टेररिस्ट लाइक फायर फाइट में एंगेज है, तो ये सारे सिचुएशंस हम इस किलट में ये पोर्ट्रे करते हैं और कमांडोज को उस टाइम डिसीजन लेना है और अपने ट्रेनिंग के अनुसार, स्किल्स और ड्रिल्स के अनुसार उस पर एक्शन लिया जाता है। कई बार घने जंगल या फिर बहुमंजिली इमारतों की वजह से स्काई डाइविंग का रास्ता इख्तियार करना होता है। इससे भी बात नहीं बन रही तो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल एरियल प्लेटफॉर्म के तौर पर करके आतंकियों का सफाया करना होगा। अत्याधुनिक हथियारों के अलावा उनके साथ लैब्राडोर डॉग भी होते हैं, जिनकी काबिलियत पर आप शक नहीं कर सकते। मैं अपने आप से लड़ता रहा और डरता रहा। इस बीच ब्लैक कैट रस्ते के सहारे बिल्डिंग में दाखिल होकर अपना काम कर गए। दरअसल 1984 में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद देश में पहली बार बेहतरीन किस्म के कमांडोज की जरूरत महसूस हुई और इसकी नींव रखी गई, जो जल्द ही अपनी काबिलियत के दम पर छा गए। कोई फेडरल लेवल पे, नेशनल लेवल पे कोई कंटिंजेंसी फोर्स है नहीं, और ऐसी फोर्स होनी चाहिए जो इंटरनल टेररिस्ट एक्शंस को संभाल सके। तो इस फिलॉसफी को लेके उन्होंने तय किया कि एक कंबाइंड फोर्स होगा, जिसमें आर्मी के स्किल्स होंगे कुछ और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के स्किल्स होंगे, और इस आइडिया को लेके उन्होंने आगे एनर्जी को बढ़ाया। ब्लैक कैट वैसे हालात में काम करते हैं जो आम लोगों के हाथ पांव फुला दे। ये ड्रिल बम को डिफ्यूज करने की है, पहले विजुअल सर्च, फिर एक्सप्लोसिव डिटेक्टर के जरिए जांच, इसके बाद लैब्राडोर डॉग की फाइनल रिपोर्ट, तब बारी आती है 40 किलो के बम सूट पहनकर बम डिफ्यूज करने की। किस टाइप का एक्सप्लोजिव यूज हुआ है, कितने क्वांटिटी में था, एंड क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है। जनरली आप जैसे बॉम्बे ब्लास्ट कवर किया था एंड हाईकोर्ट ब्लास्ट में हमारी टीम गई थी, तो आप बेसिकली ट्रेंड ट्राई टू फॉलो करते हैं, ट्राई टू फॉलो अ चेन एंड रिकंस्ट्रक्ट द बेसिक आईडी। और ये एक्सरसाइज है आतंकियों के कब्जे से बस को आजाद कराने की, जिसके लिए पहले रूट की पहचान होती है, फिर ऐसी जगह चुनी जाती है जहां से हमला बोला जा सके, चौंकाने के लिए अचानक फायरिंग और टायर बर्स्ट करने के लिए कांटों का स्पीड ब्रेकर। दर्जनों कमांडो जब एक साथ हमला बोलते हैं तो दुश्मन को हरकत करने की भी मोहलत नहीं मिलती, जो नहीं माना वो गया। इसका हमारा इतना रिहर्सल हो जाता है कि इसको किसी भी सिचुएशन में, अगर इस तरह की सिचुएशन आती है, हमारे कमांडो वेल ट्रेंड हैं कि वो इस तरह की एक्टिविटी को पूरी तरह से अंजाम दे सकते हैं। तैयारी प्लेन हाईजैकिंग से निपटने की भी है, ताकि IC-814 जैसी घटनाओं के वक्त हम हाथ पर हाथ धरे ना बैठे रहे। यहाँ सारा दारोमदार स्काई कमांडोज का होता है, जो क्लोज कॉम्बैट में
माहिर होते हैं। जब खुले पर हमारी क्या कार्रवाई रहती है? आपने देखा कि किस प्रकार से कमांडोज ने हरकत की एयरक्राफ्ट की तरफ, एयरक्राफ्ट के अंदर इंटरवेंशन करके फायर करके जो है टेररिस्ट को हाईजैक को जो है वो हाईजैकर को न्यूट्रलाइज किया है। एंड इसके हम लोग काफ़ी हद तक हमारी अपनी सेल्फ ट्रेनिंग वगैरह रहती है, लाइव एयरक्राफ्ट पर ट्रेनिंग करते हैं, एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग करते हैं, एंड यही हमारी जो जनरल है ये हमारी तैयारी रहती है। ये कोई नेता या मंत्री नहीं है बल्कि VIP सिक्योरिटी की प्रैक्टिस भर है, ताकि किसी राजनीतिक हस्ती को हमले से कैसे महफूज रखा जाए। ड्रिल में सब कुछ होता है, आतंकी को मार गिराने से लेकर गाड़ी बदलते हुए सुरक्षित निकालने तक। फिलहाल देश के 15 नेताओं की सुरक्षा ब्लैक कैट के जिम्मे है। इसमें लाल कृष्ण आडवाणी से लेकर मायावती तक की सुरक्षा शामिल है। किसी भी तरह की कंटिजेंसी से निपटने के लिए विशेष तौर पर मोबाइल, जब हमारा VIP है उस समय पे कोई भी कॉन्टिजेंसी होगी उसका जवाब देने के लिए कमांडोज तैयार रहते हैं। सभी प्रकार की प्रिकॉशंस हैं, उनको क्या क्या संभावित कंटिजेंसीज हो सकती हैं उसके बारे में बताया जाता है, और उस पर क्या ड्रिल उन्होंने अपनानी है उसके लिए उनको सिखलाई दी जाती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अब महिलाएं भी पीछे नहीं। बात चाहे चुस्ती फुर्ती की हो या मिशन को अंजाम देने की, निशाना इतना पक्का कि किसी चूक की उम्मीद नहीं कर सकते। न ट्रेनिंग में कोई फर्क है और न काबिलियत में कम। बिल्कुल, जिस प्रकार से हमें प्रशिक्षण दिया जाता है मेल कमांडो के साथ में, उसमें कोई कंसेशन नहीं होता, मतलब सेम ड्रिल, सेम कार्रवाई, सेम ट्रेनिंग बिल्कुल एक जैसी होती है। फुल जोश है, फुल जज्बा है किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे वक्त के साथ कितनी बदली NSG। NSG को जर्मन इलीट फोर्स GSG-9 की तर्ज पर बनाया गया, लेकिन थोड़े वक्त में इसने जिस तरह के ऑपरेशन को कामयाब बनाया, ब्लैक कैट को इससे भी बेहतर फोर्स कहा जाने लगा। चाहे ऑपरेशन मुंबई हो, चाहे ऑपरेशन मालदीव या फिर ऑपरेशन ब्लैक थंडर। मुंबई की महंगी जीत कई सबक दे गई। हमले के 10 घंटे बाद पहुंची NSG के पास ना तो मैप था, ना बेहतर हथियार और ना ही कायदे के कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। जहां तक हमारा रिस्पांस टाइम था वो है कि पूरी NSG दिल्ली में डिप्लॉयड थी और यहां से कहीं भी फोर्स ले जाने में टाइम लगता था, तो एक तो रिस्पांस टाइम हमें कम करना था, दूसरा था कि कोऑर्डिनेशन विद स्टेट पुलिस। अब के हालात दूसरे हैं। अलर्ट मैसेज मिलते ही आधे घंटे के भीतर आउट। साथ ही मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और चेन्नई में NSG के रीजनल हब बनाए गए, जहां कमांडोज दिन रात मुस्तैद होते हैं। ब्लैक कैट कमांडो में ऐसी ताकत और शक्ति होती है कि जहाँ एक आम आदमी या आम सिपाही काम नहीं कर सकता, वहाँ वो अपनी काबिलियत के हिसाब से काम दिखाता है और देश को सक्सेस, सिक्योरिटी में सक्सेस देता है। अगले 3 साल में वो दुनिया के बेहतरीन साजो सामान से लैस होंगे। लेकिन एक सवाल बचा रह गया कि आखिर इन्हें ब्लैक कैट क्यों कहा जाता है? कैट फैमिली सबसे ज़्यादा शातिर और सबसे ज़्यादा एक अटैक करने में माहिर होती है, और जो ब्लैक कैट है उसमें वो और भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा निपुण माना जाता है। तो NSG की तुलना चूंकि ब्लैक कैट से की गई और नाम ही ब्लैक कैट कर दिया गया है, तो निपुणता में सर्वश्रेष्ठ है। ब्लैक कैट यानी भरोसा यानी विश्वास। दुश्मन को अगर मौत चाहिए तो ब्लैक कैट से टकराने से बेहतर कोई रास्ता नहीं। यानी जब तक ब्लैक कैट के जवान हैं आप बेफिक्र रह सकते हैं, क्योंकि फुर्ती, हिम्मत और जाबाजी से मुकाबले में जीत नामुमकिन है। हम हैं, 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 दोस्ता, हम हैं, हैं।
NSG, never say give up.